नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में अपने ही घर पर बीड़ी पीते हुए एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में एक पुलिसकर्मी की बीड़ी के गुल से कपड़ों में आग लगने के कारण मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी सिरसा जेल में वार्डन पद पर तैनात था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि शनिवार को जेल में वार्डन रमेश कुमार अपने घर पर था और इस दौरान वह बीड़ी पी रहा था, तो अचानक बीड़ी का गुल कपड़ों में गिर गया और कपड़ों में आग लग गई। कपड़ों में आग लगने से रमेश कुमार पूरी तरह से झुलस गया और परिजनों ने उसे तुरंत हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर इलाज के दौरान बीते दिन रमेश कुमार की मौत हो गई। वहीं डीएसपी ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने मृतक जेल वार्डन रमेश कुमार के भाई पवन कुमार के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, एक पुलिस मुलाजिम है, जेल वार्डन बताया गया है दांगड़ गांव का, तो जलने से उसकी मौत हुई है, क्या रीज़न रहा है सर, क्या कार्रवाई की गई? हाँ, ये रमेश नाम का जो है ना जेल वार्डन था, सरसा पोस्टेड था, और परसों रात को जो है ना इसके बीड़ी पीते समय कपड़ों में आग लगी थी और उसके बाद में उसके घरवाड़े में उसे मेट्रो हॉस्पिटल हिसार में एडमिट करवाया था, और हाँ जो है ना दौरान इलाज इसकी मौत हो गई, और कल जो है ना इसका सिविल हॉस्पिटल हिसार में पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी परिजनों के हैंड ओवर कर दी। तो सर, ये जो घटनाक्रम हुआ आग लगने का, ये कहाँ हुआ और कितने बजे कब हुआ? ये परसों रात के है घटनाक्रम, गांव दांगड़ के अंदर ये बात है, दांगड़ गांव के अंदर, और उसके भाई पवन के जो है ना बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की।